friends, we welcome you on Interesting Vlogs, and today we present another video in front of you. But before that, we would like to thank you for the 100 subscribers and all the love and support you gave to us. And today's topic is about Galilean telescopes and how to make Galilean telescopes at home. And we would also like to tell you that our channel completed its first anniversary recently on 6th December 2020. So thanks again for all the love and support, and let's begin our today's video. So today's video is about Galilean telescopes. Now, Galilean telescopes kya hote hain? Galilean telescopes are those telescopes that use lenses for the optics. Yani ki jo dekhne ke liye lenses ka istemal karte hain wo Galilean telescopes hote hain, also known as refractor telescopes. Aur jo ye hamara jo ye wala telescope hai, ये टेलीस्कोप है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होते हैं जो ऑप्टिक्स के लिए लेंसेज का नहीं मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड टू बी स्पेसिफिक दे आर कॉन्केव मिरर्स. सो नाउ वी विल सी दैट हाउ टू मेक गैलीलियन टेलीस्कोप एट होम. अब वो कैसे बनाते हैं, जिस मेथड से बनाते हैं, वी ऑल नो दैट मेथड, द नेम ऑफ दैट मेथड, एंड इट इज पॉपुलरली वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज द जुगाड़ मेथड इन द in our country India, and is also popular in many Western countries, and they call it as life hack. Anyway, let's start with today's video and learn how to make the telescope. Galilean telescope को बनाने के लिए जो required चीज़ें थी वो हमारे पास अब हैं. तो जो required चीज़ें हैं वो है एक 40 सेंटीमीटर करीब की एक PVC ट्यूब, एक सॉकेट, PVC सॉकेट जो इसके अंदर जस्ट फ्रीली स्लाइड कर सके, फ्रीली स्लाइड नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी वजह से वो फिक्स नहीं होगा अगर फ्रीली स्लाइड करेगी. और लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस और दूसरा 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक दूसरा लेंस छोटे वाला. और ये सारी ट्यूब्स हमें इस हिसाब से लेनी है कि ये एक दूसरे में ये ईजीली एंटर हो जाए, और ये ध्यान रखना है कि फ्रीली ना हो, एक दूसरे के अंदर जाके फ्री ना हो. तो ये जो PVC सॉकेट है इसके इस साइड से डालेंगे, यहाँ पे आउटर इस पे आउटर एज पे से फिक्स कर देंगे PVC सॉकेट को. और PVC सॉकेट के अंदर से इसके अंदर हमने लेंस फिक्स किया हुआ है, क्योंकि लेंस के साथ हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है और ये ब्रेक हो सकता था, टूट सकता था, तो इसलिए हम आपको ये दिखा नहीं पाए. और आप देखिए ध्यान से, तो इसमें एक रिंग है जो उसे फर्दर आगे जाने से रोक रही है लेंस को. इसी रिंग की वजह से वो टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप की जो मेन ऑप्टिकल ट्यूब है वो इसके अंदर आएगी और वो दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकलेगा लेंस. तो अब इसे बस असेंबल करना है. मैंने यहाँ पे ग्लव्स भी पहने हुए हैं जस्ट बिकॉज कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और थोड़ी सेफ्टी लेंस वगैरह के साथ हमें थोड़ी सेफ्टी चाहिए होती है ताकि वो ब्रेक वगैरह ना हो. तो असेंबल करके कैसा दिखता है देखते हैं. तो अभी इसका एक पार्ट हमने फिक्स कर दिया है, तो आधा भी असेंबल हो गया है और आधा बचा है क्योंकि अभी ये वाला बच रहा है पार्ट जिसमें बड़ा लेंस यूज़ हुआ है. तो जिसमें जिस ट्यूब में छोटा लेंस था, छोटा कन्वर्जिंग लेंस था, वो हमने डाल दी है. और पहले इस ट्यूब जिसके अंदर छोटा लेंस था उसे PVC सॉकेट के अंदर डाला, उसके बाद PVC सॉकेट के साथ ही जो ये ट्यूब थी इसका कॉम्बिनेशन ही इसके अंदर बड़ी मेन ऑप्टिकल ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया. उसके बाद अब इसके दूसरे वाले एंड से हमें बड़ी वाली जो ट्यूब है जिसके अंदर बड़ा लेंस है वो डाल देंगे, उसके बाद ये पूरा असेंबल होकर रेडी हो जाएगा. तो अब हमारा गैलीलियन टेलीस्कोप फुल्ली असेंबल्ड हो चुका है. ऑल दो इट वॉज अ टेडियस टास्क टू फिक्स द लेंस इनसाइड द ट्यूब्स, एंड इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ केयर बिकॉज लेंस इज अ फ्रेजाइल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ इट इज फुल्ली असेंबल्ड एंड होप यू लाइक द वीडियो. Photography of the astronomical objects, the celestial objects, is not possible with such homemade telescopes because they do not provide you a stable, a stationary view of the object because they do not have a stand. So guys, please like the video, share the video, subscribe to our channel and press the bell icon for the notifications.
सो फ्रेंड्स दैट वॉज ऑल इन द वीडियो. थैंक्स अ लॉट. कीप सपोर्टिंग.